नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट रिलेटेड है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट परमानेंट जॉब, और जो इसी के डिटेल आप लोगों के साथ इन शेयर करेंगे कैसे कैसे टर्म्स एंड कंडीशन, क्या लास्ट डेट कौन सा, ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन सा मोड में रहेगा, तो फीस वगैरह ये डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करते थे। तो ये सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट पास स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स विच आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। जो भाई लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं पूरा साल भर ऐसे टाइप का कुछ इन्फॉर्मेशन उनको हाथ लग जाए, उनको काम पर आ जाए। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में। ये एडवर्टाइज नंबर 03 ऑफ 2022, ये डेट 7 मई 2022, ए स्पेशल टाइप फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी अंडर मिशन मोड। ऑनलाइन प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग टीचर पोजिशंस। द कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू अपीयर आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन। इज ए ऑनलाइन ऑन फॉर्म, देखिए ये जो वेबसाइट दिया गया ये वेबसाइट में फॉर्म 9 मई 2022 सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। देखिएगा जो मल्टीपल रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हर एप्लीकेशन अलग अलग है। पोस्ट एडवाइज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इज 30 जून 2022। अच्छा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म और लिख फॉर्म जो मल्टीपल दे सकते हैं तो अलॉन्ग विथ एनेक्सर एट रिक्रूटमेंट सेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गंदरबल बाय और बिफोर 9 जुलाई 2022। तो मतलब 9 जुलाई से जुलाई से पहले ये आप लोगों का एप्लीकेशन, किसी को अगर जो इन्फॉर्मेशन अगर विलिंग है आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। ये क्यों ना उस टाइम पे आप लोगों को टाइमली पहुँच नहीं पाएगा, पता है जो फीस वगैरह है वो तो लॉस हो जाता है, तो इसलिए आप लोग जो ज़्यादा लेना है तो स्टार्टिंग से ले लेना। ओके, ये डिपार्टमेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ये तीनों अलग अलग है, कैटेगरी वाइज भी दिया गया। और देखिएगा पहले बताने देता हूँ जिसमें जैसे SC ST वगैरह PWD के स्पेशल रहते हैं उसमें आप लोग अप्लाई नहीं करते, अनरिजर्व में SC ST वगैरह आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये देखिएगा फर्स्ट में डिपार्टमेंट के मुताबिक बताएंगे और उसके बाद आप लोग अपना देख लीजिएगा सब्जेक्ट के मुताबिक और उसी हिसाब से जो जिस प्रोफेसर में अप्लाई करना है तो उसी हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो जैसे एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक। देखिएगा कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, ये जैसे कि एक पद है एसोसिएट प्रोफेसर में OBC इकोनॉमिक्स, उसके बाद टीचर एडुकेशन, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स, अच्छा टूरिज्म स्टडीज, उर्दू पढ़ाया। देखिएगा ये उर्दू में एसोसिएट प्रोफेसर में एक ST के लिए सिर्फ ST ओनली, तो कोई भाई लोग उर्दू के सब्जेक्ट के मांगते रहते हैं। अच्छा, और एनिमल साइंस, जूलॉजी, फिजिक्स, रिलीजियंस स्टडीज, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एडुकेशन, उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, प्लांट साइंस, बोटानी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अच्छा मैनेजमेंट स्टडीज, कॉमर्स, अच्छा कश्मीरी। ये टोटल प्रोफेसर में 18, एसोसिएट प्रोफेसर 43, असिस्टेंट प्रोफेसर 54 ये वैकेंसीज है। बाकी जो तो बैकलॉग वैकेंसीज 02 जैसे कि टीचर एडुकेशन 1 ST हिस्ट्री और लॉ 01 ST के लिए टोटल 2। तो इसी हिसाब से अभी देखिएगा ये नोटिफिकेशन आया है कहाँ से, देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी में इसी से यूनिवर्सिटी से
रिक्रूटमेंट आया है इसमें। बाकी देखिए जाए इसमें कुछ रिजर्वेशन कोटा में कुछ सीट बुक है, तो ये आप लोग को उसमें जो भाई लोग इसी रिजर्वेशन कोटा में आता है वो, तो जैसे वन पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, टू पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, आर फोर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, आर रिजर्व पी डब्ल्यू डी पर्सन विथ डिजेबिलिटी अंडर ओरिजिनल रिजर्वेशन इसमें रहते हैं आका। ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मई 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून 2022 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ एनेक्सर 9 जुलाई 2022। देखिएगा ये दो ऑप्शन करके रखा है, ऑनलाइन भी ऑप्शन है और हार्ड कॉपी के साथ। उसके बाद देखिएगा डिटेल्स ऑफ पे क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग पोजिशन इन द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन एक्सेप्ट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज। अब देखिएगा प्रोफेसर पे मैट्रिक्स एकेडमिक लेवल 14। देखिएगा ये एकेडमिक लेवल 14 दिया जाएगा ऑफ 7th पीसी के, तो उसी हिसाब से। बाकी जो एलिजिबिलिटी जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो ये एलिजिबिलिटी वाला पोस्ट आप लोग जो पर्सन देखिएगा। और यूट्यूबर का काम है आप लोगों को मेन इंफॉर्मेशन, आप लोगों को मेन मेन चीज़ आप लोगों के साथ पहुँच देना। बाकी जो डिटेल्स आप लोगों को हर नोटिफिकेशन को हर वर्ड हर सेंटेंस बारीकी से पढ़ के उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना है। तो क्यों ना इसमें फीस वगैरह है, टर्म्स एंड कंडीशन जो अप्लाई है ये आप लोगों को देखना है। इतना डिटेल नहीं बोल अरे बनाने से बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है और एफिशिएंसी नहीं रहता वीडियो देखने के। ओके, इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर जैसे ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ ए पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न एलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन्स ये सब। बाकी मास्टर डिग्री ऑफ विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन, ये सब चीज़ आप लोगों को देखना है। तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पे मैट्रिक लेवल रहेगा 10 7th सीपीसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए और बी। देखिएगा इसमें भी ए और बी जो कि क्यों ना कैचा ए का कंडीशन हम पूरा करना चाहिए, नहीं तो बी का कंडीशन जो दिया गया एक बी का कंडीशन आपको पूरा होना चाहिए। इसी वगैरह जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया उसी हिसाब से सेट नेट से स्लेट सेट का जो टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद जो पीएचडी का जो 11 जुलाई 2009 से पहले जो पीएचडी दे उसका टर्म्स कंडीशन, बाकी जो क्राइटेरिया आप लोगों को ए से इको तक पांच जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए उसी के आधार। उसके बाद और एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है जो कि ऑल वर्ल्ड के 500 रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी थे उसी के अंदर जो पीएचडी वगैरह किया उसको मान्यता दिया जाता है, तो उसी हिसाब से वो भी देख लीजिएगा। ओके, डिटेल्स ऑफ पे क्वालिफिकेशन एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, ए इसका प्रोफेसर पे मेट्रिक रहेगा 14 ऑफ 7 सीपीसी, तो ये सब चीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर का 10th और पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए क्या प्रोफेसर पोस्ट ग्रेजुएट इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स और सोशल साइंस और कॉमर्स और लैंग्वेजेज एमएड पीएचडी इन एजुकेशन 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एनी अदर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन रेस्पेक्ट बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और डिजायरेबल डिप्लोमा और डिग्री इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल लीडरशिप। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उससे ये पेमेंट लेवल 10 7 सीपीसी का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स
एलिमेंट्री एलिजिबिलिटी देखिए हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 55% बीएड होना चाहिए डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क नेशनल नेशनल एलिजिबिलिटी नेटेड नेट चाहिए स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी एस टी एलिजिबिलिटी टेस्ट एस एल ई टी और डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी इन एडुकेशन इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब ये सब चीज़ जो ये डिजायरेबल एम एड और एम एड विथ स्पेशलाइज इन एलिमेंट्री एडुकेशन पी एच डी इन एडुकेशन ये सब चीज़ डिटेल ऑफ पे क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन ये देखिएगा ये बार बार एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है तो ये सब चीज़ आप लोगों को देखिएगा ये इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का वेबसाइट में जाइएगा वेबसाइट में जाइए डाइनासाइड में कॉर्नर में इसमें वैकेंसी देखिएगा एडवर्टाइजमेंट जाके आप लोग क्लिक करिएगा उसमें डिटेल इसका मिल जाएगा। देखिएगा एडवर्टाइजमेंट में जाइएगा एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद आपको एक ये मोबाइल में निकल रहा बोल के इसी टाइप का दिखा रहा है आपको पीसी में देखेगा तो इसमें अलग नज़र आए डाइना साइड में एकदम कोने में ये एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद देखिएगा एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद ये जो रिक्रूटमेंट ऑफिशियल ईमेल जो दिया जा रहा है जॉब्स एट द रेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर .ac.in ये इसके बाद नीचे जो डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस टीचिंग पोस्ट ऑन सब्सटेंस बेसिस इसी को आप क्लिक करने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बाकी इसी में स्टेटस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट तो एंगेजमेंट ऑफ द कल्चरल फैसिलिटी फॉलोइंग डिपार्टमेंट ये जो अलग अलग चीज़ है लेकिन इसमें जाके आपको ये फर्स्ट वाला देख आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को हर वर्ड एंड सेंटेंस ध्यान से पढ़ के उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए भाई लोग ये इसमें ये 21 पेज का नोटिफिकेशन है तो पूरा थरोली बोलना मुश्किल है तो मैं मेन चीज़ बताने का कोशिश करता हूँ लेकिन मैं छूट गया था। देखिएगा हाउ टू अप्लाई इसमें मेंशन होकर रखा इसमें ये फीस है ये द ऑनलाइन प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ये जो वेबसाइट का दिया गया द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस देखिएगा ये ₹1500 इन द सबमिटेड ऑनलाइन हाउएवर द कैंडिडेट बिलोंगिंग द एस सी एस टी अनरिजर्व के लिए वो ₹1500 और एस सी एस टी आर पी डब्ल्यू डी आर रिक्वायर्ड टू पे द ओनली ₹750 एन आर एज एप्लीकेशन फी द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी कैन बी मेड ऑनलाइन बाय लिंक अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो वेबसाइट है द कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली बाय और बिफोर 30 जून 2022 के आगे द सबमिट द ऑनवर्ड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अच्छा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एग्जाम्पल सर्टिफिकेट रिसर्च पब्लिकेशन ETC रिक्रूटमेंट सेक्शन कौन सा सेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द कश्मीर ग्रीन कैंपस गंदरबल जो एड्रेस वगैरह दिया गया बाय पोस्ट और बिफोर 9 जुलाई 2022 तो इसी हिसाब से ये मैं फीस के लिए आप लोगों को डिस्कस करें ये 21 पेज का एप्लीकेशन जो टर्म्स एंड कंडीशन जो शॉर्ट लिस्टेड का क्राइटेरिया वगैरह जो एज के फैसिलिटी लेना पड़ता है बाय एनएक्सआर वगैरह जो जिसके लिए कंपलसरी है वो एनएक्सआर का भी फिलअप करना पड़ता है। ओके उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल होगा और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट फॉर एनकरेजमेंट। थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक।